हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। सो मसल्स ऑफ ब्रीदिंग से क्या मतलब है? जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें कुछ मसल्स हेल्प करती हैं जिनकी वजह से ब्रीदिंग पॉसिबल होती है। सो मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, इससे पहले एक ब्रीदिंग टर्म मैं क्लियर करना चाहूंगी। ब्रीदिंग क्या है, जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग क्या होता है, एयर लंग्स के अंदर मूव होती है एंड बाहर मूव होती है। सो एयर को अंदर लेना एंड बाहर छोड़ना इज ब्रीदिंग थ्रू लंग्स। दैट इज ऑक्सीजन जो है एयर के द्वारा अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन इनसाइड जाती है ब्लड में एंड पूरी बॉडी में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पूरी बॉडी से आई है लंग्स के पास थ्रू ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमोसफेयर में एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। सो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, यानी एयर को अंदर लेना, या फिर इनहेलेशन, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तब इंस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी का यूज होता है। दैट्स व्हाई दिस इज एक्टिव प्रोसेस। एक्सपिरेशन जिसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं, इसमें हम एयर को बाहर छोड़ते हैं लंग्स के थ्रू, ये एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है, अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है, इसलिए ये एक पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी का यूज नहीं होता। सो ब्रीदिंग को करने के लिए, ब्रीदिंग कैसे पॉसिबल है, मसल्स के थ्रू। इसलिए हम पढ़ेंगे मसल्स यूज्ड इन ब्रीदिंग। कौन कौन से मेन मसल्स हैं जो कि ब्रीदिंग में यूजफुल हैं? फर्स्ट है इंटरकोस्टल मसल्स एंड सेकेंड है डायफ्राम। सो पहले हम इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डायग्राम देखिए, ये है लंग्स, दो लंग्स, एंड लंग्स को किसने एनक्लोज किया हुआ है, रिब्स ने। रिब्स के अंदर यानी पसलियों के अंदर प्रेजेंट होता है लंग्स। सो ये है रिब्स, और हमारी बॉडी में कितने रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। सो 12 पेयर ऑफ रिब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। एंड ये दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होता है। ये दो रिब्स हैं, इनके बीच में इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट है जहां पर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। सो 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। सो इंटरकोस्टल मसल्स फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, यानी एयर को अंदर लेने में हेल्प करती हैं, इनहेलेशन में हेल्प करती हैं। एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सपिरेशन यानी एक्सहेलेशन में हेल्प करती हैं। सो फर्स्ट पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये सबसे सुपरफिशियल मसल है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल यानी बाहर, सुपरफिशियल आउटर मोस्ट मसल्स हैं ये। ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ रिब अबव टू द अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो। सो अगर ये अपर रिब है तो उसके लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है, एंड जो लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर तक ये जाती हैं। एंड ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये सबसे सुपरफिशियल है, आउटर है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरनल है, नेम से क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल के अंदर प्रेजेंट है। सो डीप इनसाइड द एक्सटर्नल। सो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के डीप यानी अंदर प्रेजेंट होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एट राइट एंगल। ये भी उसी तरह से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऐसे ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर वाली, एंड जो इंटरनल है वो इसको क्रॉस कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट एंगल पे। सो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है दोनों मसल्स। अब हम पढ़ते हैं डायफ्राम के बारे में। सो व्हाट इज डायफ्राम? ये है डायफ्राम, ये आप देख रहे हैं, ये जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर लंग्स जो है बेस बना रहे हैं, लंग्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं डायफ्राम के ऊपर। सो डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर। डोम शेप का होता है डोम। सो डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है, सेपरेट्स थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। सो जो हमारा थोरेसिक कैविटी है वो होता है हमारा चेस्ट वाला रीजन, थोरेक्स वाला, जहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, हमारा पेट वाला रीजन, स्टमक वाला रीजन, जहां पर अदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो डायफ्राम थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। मीन्स जो डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन है वो है थोरेसिक कैविटी, एंड डायफ्राम से नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। दोनों को ये आपस में बीच से सेपरेट करती है, एक डिवीजन का काम करती है। सेंट्रल टेंडन फ्रॉम विच मसल फाइबर्स रेडिएट टू बी अटैच टू द लोअर रिब्स एंड स्टर्नम। सो डायफ्राम के जो सेंटर है वहां पे सेंटर टेंडन होता है।
सेंट्रल टेंडन, वहां से क्या निकलते हैं, मसल फाइबर्स निकलते हैं जो कि स्टर्नम और रिब्स के साथ अटैच रहते हैं। सेंट्रल टेंडन होता है डायफ्राम के अंदर, वहां से मसल फाइबर्स निकलते हैं जो कि रिब्स और स्टर्नम के साथ अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तो थोरेसिक कैविटी का साइज भी चेंज होता है। नाउ हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे कि ब्रीदिंग में मसल्स कैसे एक्शन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंस्पिरेशन में, जब हम एयर को एंटर करते हैं लंग्स में इनहेलेशन में, तब मसल्स कैसे एक्ट करती हैं। सो डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको इंस्पिरेटरी मसल्स भी कहते हैं। सो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सो डायफ्राम वैसे क्या होता है, डोम शेप का होता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, तो डायफ्राम जो डोम शेप का होता है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। एंड जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सो इससे क्या होता है, जो रिब केज है वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव होता है, रिब मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, क्योंकि जब इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हुई कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो रिब केज है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम और साइज ऑफ थोरेक्स इंक्रीजेस। सो जो थोरेसिक कैविटी यानी जो हमारे लंग्स है उनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती है, तो साइज इंक्रीज हो जाता है। अब साइज क्या है, हर तरफ से इंक्रीज हो रहा है थोरेसिक कैविटी का, क्योंकि जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो वर्टिकल यानी टॉप टू बॉटम भी साइज इंक्रीज हो रहा है थोरेसिक कैविटी का। जो मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर रही है, सो बैक टू बैक एंड साइड टू साइड हर तरफ से क्या हो रहा है कि फ्रंट टू बैक साइज इंक्रीज हो रहा है थोरेसिक कैविटी का। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि लंग्स जो है एक्सपेंड हो जाते हैं। अब क्या होता है, प्रेशर इन लंग्स इज लोअर देन द प्रेशर आउटसाइड। जब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है साइज में, तो जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो कम होता है एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेयर यानी बाहर जो है प्रेशर ज्यादा है एंड लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, इसको नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं कि लंग्स के अंदर क्या है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया है। इससे क्या होता है, एयर एंटर्स द लंग, एयर अंदर एंटर हो जाती है, जिसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। अब हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की यानी एक्सहेलेशन की, जब एयर लीव करती है लंग्स को, लंग्स से बाहर जाती है एयर। सो एक्सपिरेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्पिरेशन में डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो एक्सपिरेशन में रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाएंगे। सो एक्सपिरेशन में कौन सा मसल एक्टिव होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सपिरेशन में रिलैक्स हो गए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उससे क्या होगा, रिब केज रिटर्न्स टू नॉर्मल पोजीशन। जो रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हुआ था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, यानी डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा। सो ये है एक्सहेलेशन, इसमें क्या है, रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर रहा है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ रहा है। इसमें क्या, इससे क्या होगा, वॉल्यूम और साइज ऑफ थोरेक्स डिक्रीज होगा, जो इंक्रीज हुआ था वो दोबारा डिक्रीज हो जाएगा साइज थोरेक्स का, थोरेसिक कैविटी का। लंग्स क्या होंगे, श्रिंक होंगे, जो एक्सपेंड हुए थे वो श्रिंक हो जाएंगे। प्रेशर इन लंग्स इज हायर देन प्रेशर आउटसाइड। अब क्या होगा, जो लंग्स में प्रेशर है वो दोबारा से हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रेशर आउटसाइड। एटमोस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर दोबारा से हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। एयर क्या है, वापस लंग्स बाहर चली जाएगी, एयर बाहर फोर्स हो जाएगी, एक्सहेलेशन होगी, एक्सपिरेशन होगी। एंड डायफ्राम क्या है, दोबारा से अपवर्ड डोम शेप में आ जाता है, दिस इज एक्सहेलेशन। सो अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।